डेटा लिंकिंग, ये डेटा लिंकिंग क्या है? अभी मैंने जैसे बताया था, कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि एक शीट में आप सारा डेटा रख सकते हो, मल्टीपल शीट्स चाहिए होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक चार्ट बनाने के लिए आपको दो शीट, तीन शीट या चार शीट से इन्फॉर्मेशन लेना है, उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, ये सब करना है, जो कि हम आगे समझेंगे। एडवांस फॉर्मूलाज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत फॉर्मूला है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मज़े में। ओके, सो जब भी हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि डेटा लिंक करना होगा हम, और वहाँ पे यूज आएगा हमारा डेटा लिंक। इसको करते क्या है, इसका बेसिक मैं बता देता हूँ आपको। कनेक्टिंग डेटा अक्रॉस शीट्स, सो वर्कशीट्स के अक्रॉस एक शीट है, उसका डेटा दूसरे शीट पे चाहिए, इसका डेटा फिर तीसरे शीट पे चाहिए, या फिर इन तीनों का डेटा एक शीट पे चाहिए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका ये तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग, ठीक है। इसमें दो आता है आपका, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, कैसे करते हैं बताऊंगा, और एक होता है आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। ये चीज आप देख लें, डेफिनेशन देख लेना, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि इसका यूज कैसा आता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग मतलब एक शीट से दूसरे शीट पे हम रेफर कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। आपको दिखाऊंगा करके, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। दूसरा है आपका नेमिंग अ रेंज, एक रेंज को हम नेम दे देते हैं और उस रेंज को जहां भी हम चाहें दूसरे शीट पे वो ले सकते हैं। कैसे ये काम करता है आप यहां पे देख लो। मान लो कि ये डेटा है, मुझे एक नए शीट में चाहिए। अच्छा, ऐड कैसे करना है नया शीट, ये बहुत आसान है। ये आप यहाँ पे प्लस साइन पे जाते हो, इस पर क्लिक करते हो, नया शीट आ जाता है। इसको नेम कैसे करना है, इस पर एक बार क्लिक कर दो आप। आई थिंक डबल क्लिक किया मैंने, और इस पर आपको नेम करना है। मैं यहाँ पे इसको टेस्टिंग के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के नाम से रख दिया। अभी प्रोटेक्टिंग शीट के इस डेटा को मैं इसको कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसको मैं येलो कलर से, अब ये जो डेटा है 35,83,606 क्या है, सेल्स है, हाँ जो भी है, इस डेटा को मेरे को इस जगह लाना है। इसको भी मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, लाइट ग्रीन। तो ये मैंने कर दिया। अब इस डेटा को मैं यहाँ पे लाता हूँ, कैसे लाता हूँ आप देखो। आप मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, जाऊंगा अपने प्रोटेक्टिंग शीट पे, यहां पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं कर दूंगा एंटर। क्या किया मैंने, फिर से दिखा देता हूं। यहां मैंने लिखा इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, ओके, जूम में दिख रहा होगा आपको। यहां पे मैं जाऊंगा प्रोटेक्टिंग शीट पे, जहां से भी डेटा लेना है, इस जगह पे आऊंगा, इस वाले सेल से मुझे डेटा उठाना है, ठीक है, और इस पर कर दूंगा एंटर, ठीक है। आपको एक और चीज बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का नेम कैसे होता है, बहुत बेसिक चीज है, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे जाके आपको क्लैरिटी रहे। अब देखो यहाँ पे आपका ये कुछ कॉलम्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे भी ऐड कर सकते हो आप, लाइक दैट ए ए बी बी लाइक दैट, वो होता है, ठीक है। जब आप बहुत बड़े डेटा पे काम करोगे, या फिर हम भी जब आपको दिखाएंगे बड़े डेटा पे एडवांस वाले पार्ट में, तो हम दिखाएंगे आपको कि कैसे ये यूज करते हैं। बाकी ये जो कॉलम है इसका नाम है एच, और कुछ रोज होते हैं 1, 2, 3, 4 करके 10,000 लाइक ऐसा होता है, बहुत नीचे तक तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन आपका 10,48,000 तकरीबन है। तो ये होता है रो और ये होता है कॉलम, बहुत सिंपल। अगर चाहो तो कलर कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रो को कलर कर देता हूँ, इसमें तो ये फंडा है अपना, इसको क्लियर कर देते हैं अभी अभी के लिए, तो आप समझ गए होंगे इसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर हो सकता है आपको एमसीक्यू जो अभी आप करोगे इसके बाद, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दें यहाँ पे। इसका नाम क्या है इस वाले सेल का, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो, ये तो आपका हाईलाइट हो गया। आप यहाँ जाओ, यहाँ पे इसका नाम लिखा रहता है H5। अभी यहाँ आऊंगा, इसका क्या नाम है E10, इसका क्या नाम है D14। ओके, तो यहाँ पे आपको ये सारा नेमिंग जो है दिख जाता है। पहले लिखते हैं कॉलम, फिर लिखते हैं रो का नाम, ठीक है। तो अगर ये एक सेल है, ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ रेड से। ये सेल है, इसका नाम है K, और इधर है 17, K17, यहाँ चेक कर ले K17। बहुत ईजी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है आप कॉल करो किसी डिपार्टमेंट में, एंड यू विल आस्क कि कहाँ पे है ये डेटा, तो आपको वो बोलेंगे कि H9 में है, तो H9 आप जाके ढूंढोगे, H ये है,
और 9 आपका ये वाला एच है, ये एच नहीं, लाइक दैट। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखो रेफरेंसिंग पे वापस आते हैं, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू प्रोटेक्टिंग, थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है इसलिए मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आया, सेलेक्ट किया मैंने, एंटर, डेटा सेम है 3583606, चेक कर लो 3583606, सेम डेटा यहाँ आ गया। क्या हुआ, रेफरेंसिंग डेटा लिंक हो गया ये। अब ये जो है आपका, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये काम कर रहा है एक्चुअली ये रेफरेंस करने का, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्यों? क्योंकि यही फॉर्मूला आप अगर दूसरी जगह लगाओ, सो यहाँ पे आए मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो डेटा जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि इसने किसी और रेफरेंस को ले लिया है। यहाँ पे आपका जो नाम है वो है प्रोटेक्टिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड F13, और यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो है प्रोटेक्टिंग K7, मतलब K7 प्रोटेक्टिंग में जो डेटा है वो आ रहा है, तो K7 में कोई भी डेटा नहीं है, ये K7 यहाँ पे ये है K7, कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे, तो जीरो दिया है, राइट, अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब अगर आप ये फॉर्मूला कहीं और लगाते हो तो ये किसी और को रेफरेंस करेगा, रेफर करेगा। लेकिन अगर आपको इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है, मतलब कहीं भी आप पेस्ट करो लेकिन आप चाहते हो कि वही डेटा आए जो कि एक लोकेशन पे फिक्स्ड है, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग, इस जगह पे इसको छोड़ दो, प्रोटेक्टिंग F13, मतलब यही डेटा मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मैं पेस्ट करूँ इसको, ये फॉर्मूला को, वो वहाँ पे आए। बहुत सिंपल है, इस पे जाओ आप, F13 है, इसको आगे में आप डॉलर साइन लगा दो और 13 के आगे भी आप डॉलर साइन लगा, दो डॉलर साइन लगाया, मामला फिक्स हो गया। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब आप समझ लो ऐसे फिक्स्ड होता है ना। तो अब आप इस फॉर्मूला को कहीं भी करोगे कॉपी पेस्ट तो आपको उसी जगह को ये रेफर करेगा, कहीं भी कर लो आप पेस्ट, किसी भी जगह पे कर लो, देख रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। कई जगह रिलेटिव रेफरेंसिंग भी हम लोग करते हैं, वो आप समझोगे आगे हम जब देखेंगे। तो मेन फंडा जो है वो यही है। अब आते हैं नेम्ड रेंज पे, कि भैया नेम्ड रेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करते हैं इस डेटा को, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आएगा डिफाइन नेम का ऑप्शन। डिफाइन नेम पे गए, इसका नाम लिख दो आप, इसका नाम लिख दो आप सेल्स डेटा 1.1, ठीक है। स्कोप आप इसका डिफाइन कर सकते हो, मैं इसका स्कोप वर्कबुक ही रखूँगा, पूरे बुक में कहीं भी मैं चाहूँ तो इसको रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी देखो आप, ये जो फॉर्मूला है, तो हर एक चीज़ के लिए फॉर्मूला है, एक्सेल कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली बैकएंड में आपका एक प्रोग्रामिंग चल रहा है, आप जो इसको कर रहे हो यहाँ पे वो बैकएंड में एक प्रोग्रामिंग हो रहा है, ठीक है। जब हम और डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मूला है समझ लो एक, तो उसको ओके क्लिक कर दिया और इसका नेम जो है वो डिफाइन हो गया, देखते हैं। अच्छा, इनकरेक्ट सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा नहीं रख सकते हम, सिंपल इसको सेल्स डेटा रख लो 1.1 ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसा कोई स्पेस नहीं रहेगा बीच में, देयर इज नेम कन्वेंशन जो आपको समझना होगा।